हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक। और आज हम लोग पेज मेकर के अंदर विजिटिंग कार्ड बनाना सीखेंगे, यानी विजिटिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, वो भी प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड कैसे बनेगा, ये चीज़ हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मेरा पेज मेकर स्टार्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ। तो फाइल में चलते हैं, यहाँ पेज लेने की फाइल न्यू, और इसमें एक मैं पेज साइज डालता हूँ जो कि मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने 3.2 × 2.1 ये पेज साइज है मेरा, और वाइड, और यहाँ पर मार्जिन मैं ले लेता हूँ 0.1। जूम करके मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। आप लोग इसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपका पेज साइज है 2 × 2.1 × 3.2, और यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा वाइड लेना है आपको। और यहाँ पर पेज मार्जिन है जो कि मैंने सब में 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1 लिया है। तो ये सब चीज़ आप कॉमन रखिएगा जो चीज़ मैंने रखा है, और यहाँ पर फिर ओके प्रेस करना है आपको। तो चलिए मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये एक पेज साइज आ गया मेरे पास। ऐसे तो ये इतना बड़ा नहीं होता है, ऐसे राइट क्लिक करके अगर एक्चुअल साइज पे करें तो ये इतना हो जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ही बनाता हूँ। तो राइट क्लिक करके फिट इन विंडो और इस पर आ जाते हैं। इसके बाद आपको रेक्टेंगल टूल्स लेना है, यहाँ से टूल बॉक्स से रेक्टेंगल, और इस जो अंदर का मार्जिन है एक पेज, यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रैग कर देना है आपको। तो चलिए मैंने रेक्टेंगल एक ड्रैग कर लिया। उसके बाद एक यहाँ से पॉलीगॉन टूल्स लेना है, पॉलीगॉन लीजिएगा सिंपल, और शिफ्ट के साथ पॉलीगॉन को इंसर्ट कराइएगा। शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो चारों तरफ से बराबर आएगा। तो मैंने शिफ्ट के साथ ये लिया और इसको उठाकर मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर आपको सेंटर मिलाने में प्रॉब्लम होगा कि मेरा इस इधर सेंटर में है या इधर से, मतलब स्पेस अगर कम और ज़्यादा लगे कि बराबर नहीं मिला पा रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है कि दोनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, यानी दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। चलेंगे एलिमेंट अलाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के लिए अलाइनमेंट है, और यहाँ पर बस आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, और यहाँ से इसको नन कर दीजिएगा। ठीक है, इसको नन कर दीजिएगा और ये ऑप्शन ले लीजिएगा यहाँ से, सॉरी इसको बीच में कर लीजिएगा, यहाँ से बीच में कर लीजिएगा, और यहाँ से भी बीच में। देखिए ये दोनों ऑप्शन अप्लाई कर लेना है और ओके कीजिएगा। तो देखिए ये बीचों बीच आ गया, पूरे सेंटर में आ गया। अब मुझे इसको सेंटर में रखना नहीं है, तो इसको सिर्फ सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए ये सिलेक्ट हो गया, और डायरेक्शन की से, यानी लेफ्ट का डायरेक्शन की से इसको ड्रैग करके कीबोर्ड के थ्रू थोड़ा सा किनारे कर लीजिएगा। चलिए आई होप कि ये चीज़ हो जाएगा आप लोग से। उसके बाद आपको करना है यहाँ से स्केल लेना है। देखिए ये रूलर शो कर रहा है, रूलर से स्केल लेना है। अगर रूलर ना शो करे तो आप कंट्रोल आर करेंगे तो रूलर शो करेगा और हाइट भी हो जाएगा। देखिए शो कर रहा है और हाइट भी हो गया। तो अगर ये स्केल रूलर ना शो करे उसके लिए कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं। चलिए इधर से मैं स्केल लेता हूँ और खींचता हूँ उसमें से। तो देखिए आ गया यहाँ पर, फिलहाल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ बाहरी, इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसका सेंटर मुझे पता चल गया कि यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट है। चलिए अब स्केल लेते हैं और इस पॉइंट के बीचों बीच, यानी आधा पे हमको रखना था इसीलिए मैंने सेलेक्ट किया है शेप को, तो यहाँ पर रख लेते हैं। फिर एक स्केल लेते हैं और इस बार हम लोग यहाँ पर रखते हैं। चलिए आई होप कि ये हो जाएगा। उसके बाद पॉलीगॉन टूल्स लीजिएगा। अब पॉलीगॉन टूल्स को आपको ड्रैग नहीं करना है, क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करना है। देखिए मैं यहाँ पर बाहर में एक रफ करके दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे अगर सिंपल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह बन जाएगा, लेकिन इसी को अगर हम क्लिक करके फिर माउस छोड़ देते हैं और फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लाइन आ गया। ये लाइन इस तरह से बनते जाता है पॉलीगॉन का। तो आई होप कि ये चीज़ बन जाएगा आप लोग से। तो ऐसे मैं इसको हटा देता हूँ, ये चीज़ भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं। अब लाइन आपको ड्रॉ करना है, तो इस पर चलते हैं पॉलीगॉन, और यहाँ से देखिए इस माउस को आप लोग ध्यान देते रहेगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, उसके बाद थोड़ा सा आगे, और इस तरीके से एकदम इस लाइन पे आपको एक शेप बना लेना है। देखिए अभी मैं इस कॉर्नर पे और यहाँ से इस कॉर्नर, और यहाँ से देखिए इस कॉर्नर पे, और फिर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पर जाके मैंने
मिला दिया। अब पॉइंटर टूल्स लेता हूँ और इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने ये बनाया है इतने दूर। देखिए इस तरह क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए शेप सिलेक्ट हो गया और इसका कलर रेड ये हो गया। और ये जो शेप है पहले उससे पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाला शेप देखिए ये सिलेक्ट हो गया। इसका कलर वाइट रखिएगा, पूरा ऑल कलर वाइट रहना चाहिए, लाइनिंग कलर भी और आपका पेज कलर यानी दोनों कलर वाइट होना चाहिए आपका। तो ये ध्यान रखिएगा ऑल कलर लेकर वाइट कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो शेप है मेरा पूरा रेक्टेंगल जो मैंने पूरे पेज पे क्लिक कर रखा था तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है बारीकी से। देखिए सिलेक्ट नहीं अभी हो रहा है, थोड़ा सा मैं देखिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, क्लिक कीजिएगा लाइनिंग पे कहीं भी तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसे ये जो मैंने पहला वाला पूरा रेक्टेंगल लिया था उसको सिलेक्ट किया है और इसको ब्लैक, तो देखिए इस तरह कैसे बन गया। बस इसको उठाकर आपको स्केल को रख देना है फिर वापस जहाँ से आप लाए हैं। और इसके बाद आपको लिखना है तो टेक्स्ट टूल्स लेते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि डिजाइन, डिजाइन हो गया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल ए से सिलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट का साइज। इसका कलर मैं ब्लू, उसके बाद फिर से टेक्स्ट लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एडोब अकाउंटिंग। उसके बाद फिर से एक बार टेक्स और यहाँ पर कंपनी नेम, इसको भी मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद सबको अरेंज कर दिया जाएगा। फिर टेक्स्ट टूल्स लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर में आपका प्लस जो भी हो डाल लीजिएगा। फिर इंटर करके इसी पैराग्राफ में इंटर करना है आपको और इंटर करके दूसरा लाइन लिखना है आपको ईमेल, तो ईमेल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर adobe@gmail.com। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका वेबसाइट तो www.adobe.com। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस में मैं दे देता हूँ नियर यूट्यूब सर्च। आप चाहे तो इस जगह पे जो आपको इच्छा हो आप दे सकते हैं, मैंने ये लिखा है। चलिए अब इस पॉइंटर से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ रख दिया। उसके बाद ये कंपनी है, ये नाम है तो मैंने नाम यहाँ पर रख दिया। अगर टेक्स्ट बड़ा हो रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट टूल से। और कंपनी ये चीज़ अब ब्लैक पे ब्लैक ले जाएंगे तो ये तो दिखेगा नहीं, देखिए दिख नहीं रहा है। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको यहाँ रखिएगा और टेक्स्ट टूल्स लीजिएगा, सबको सिलेक्ट करके पहले थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा, ये छोटा हो गया। और सबका कलर वाइट, वाइट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए अब हटाएंगे तो दिखेगा नहीं। अब बस यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए सिलेक्शन है यानी यहाँ पर है। बस इसको उठाकर यहाँ पर रख देना है। उसके बाद ये कंपनी नेम है तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा और इसका फॉन्ट स्टाइल मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ले लीजिएगा स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ट, ये चेंज हो गया। थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से और यहाँ पर इसका कलर वाइट और इसको उठाकर मैं यहाँ पर ला कर रख देता हूँ। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग से बन जाएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।